Hey guys, welcome back to the channel. आज हम बात करने वाले हैं what is heart attack, heart attack क्या होता है, और इसके लिए हमारे साथ एक बहुत special guest है जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन देंगे heart attack के बारे में. पहले मिस इन्फॉर्मेशन सुन लो कि अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, पता है क्या होता है, तेल को बबल्स फॉर्म होते ऊपर, राइट पानी के ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं, तो जब आपका डाइट अच्छा नहीं होता है तो वो तेल आपके खून में वो बबल्स फॉर्म करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बुलाते हैं. और जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप होता है, तो वो खून यहाँ तक आता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो बबल्स है वो यहाँ पे आके रुक जाता है और वो ब्लड को यहाँ पे रोक देता है. उसको क्या बुलाते हैं, हार्ट अटैक. उसको हार्ट अटैक बुलाते हैं. तो ये तो थी मिस इन्फॉर्मेशन. अब ये हंसने की बात इसीलिए है कि ये बस एक ज्ञान की बात है, ये कोई एडवाइस नहीं है किसी को. हालांकि कंसर्न इसमें ये है कि ये ज्ञान की बात से हट के एडवाइस भी हो सकती है, और क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये ऐसी बकवास करते हैं जिनके बारे में इन्हें 0% नॉलेज है, और नेशनल टेलीविजन पर आके ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं. एनीवे, ये सब खत्म करके हम समझते हैं व्हाट इज हार्ट अटैक. हार्ट अटैक समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हार्ट क्या है. जैसे हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लिवर, वैसे हार्ट भी एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ना कि ब्लड को अपनी तरफ खींचना. क्यों पंप करता है ब्लड? क्योंकि हर पार्ट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट है डिजॉल्व फॉर्म में, और हीमोग्लोबिन नाम के कंपोनेंट से बाइंडेड. ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए. सारे ऑर्गन्स को अगर जिंदा रहना है तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जाती है और वो ब्लड पंप करता है हार्ट. अब जैसे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे हार्ट को खुद के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि उसकी खुद की भी रिक्वायरमेंट्स है, खुद की भी मेटाबॉलिक डिमांड्स है. अब हार्ट ये ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप कैसे करता है दूसरे ऑर्गन्स तक? ऐसा समझ लो कि हार्ट एक मोटर है, और जैसे मोटर से हम लोग पानी पंप करते हैं अपने टेरेस पे टंकी में पाइप्स के थ्रू, वैसे ही अपनी बॉडी में बहुत सारी पाइप्स है जिन्हें वेसल्स कहते हैं. तो हार्ट वेसल्स के थ्रू ब्लड पंप करता है दूसरे ऑर्गन में, स्पेसिफिकली आर्टरीज के थ्रू, और देयरफॉर हार्ट खुद को भी ब्लड पंप कर रहा है आर्टरीज के थ्रू. अब ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है हार्ट का. अब हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक को बेसिकली कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायोकार्डियल मतलब हार्ट के मसल्स, और इन्फार्क्शन मतलब उनका डेड होते जाना. डेड क्यों होते जा रहे हैं वो? क्योंकि हार्ट खुद को पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड. ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही. ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो हार्ट के जो मसल है, हार्ट के जो टिश्यूज हैं, वो डेड होते जा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं. इसकी पैथोफिजियोलॉजी इतनी भी आसान नहीं है और इतनी सिंपल नहीं है जितना कि इन्होंने समझा दी थी, और गलत ही समझाई थी. सुपरफिशियली अगर मैं डिवाइड करूँ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक को, तो वो दो कारणों से हो सकता है. एक तो जो पाइप्स हैं जो हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, जो आर्टरीज हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो क्लॉग हो जाए, वो नैरो हो जाए, उनका डायमीटर, उनका ल्यूमिन कम हो जाए, तो ऑब्वियसली कम ब्लड जाएगा. कम ब्लड जाएगा तो कम ऑक्सीजन जाएगी. कम ऑक्सीजन जाएगी तो वो टिश्यू डेड होता जाएगा. कम से मेरा मतलब है बहुत कम या एकदम ही नहीं. दूसरा कॉज ये भी होता है कि डिमांड बढ़ जाएगी. अगर हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है किसी कंडीशन में, या हार्ट की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई है और वो वेसल सप्लाई करने के लिए केपेबल नहीं है, वो वेसल नहीं सप्लाई कर पा रही, वो आर्टरी सप्लाई नहीं कर पा रही, हार्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी हार्ट की डिमांड बढ़ने के कारण हार्ट अटैक हो सकता है. अब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं. मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हार्ट अटैक का, वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जिन पाइप की हमने बात की थी, जिन वेसल की हमने बात की थी, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना. एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है, डिवाइड कर लेते हैं, एथेरो मतलब वेसल, स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग. तो वो जो ल्यूमन है, ये पाइप का ल्यूमन है जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है ब्लड, तो इसकी वेसल का हार्ड हो जाना अंदर से, और हार्ड होते 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 एकदम नैरो हो जाती है. ये सबसे कॉमन कॉज है हार्ट अटैक का. इसके अलावा जैसा मैंने समझाया कि मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाना हार्ट की, हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए, जितना आ रहा है उससे और ज़्यादा चाहिए. अब और ज़्यादा चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो वो भी डेड हो सकता है. इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस भी ट्रिगर कर सकता है. कैसे? स्ट्रेस ट्रिगर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये वेसल में कुछ हार्डनिंग नहीं होती, ये वेसल अपने आप नैरो हो जाती है. क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ाना है. बेसिकली स्ट्रेस में आपकी बॉडी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है. ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाती है? ल्यूमिन को एकदम नैरो करके, इसका डायमीटर एकदम कम करके.
तो ल्यूमन कम हो गई तो प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। ये मैंने जो तीन चीज़ें बताई, ये थी सिंपलेस्ट पैथोफिजियोलॉजी हार्ट अटैक की। एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी अपने आप में अलग है, स्ट्रेस कैसे सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी अलग है, मेटाबॉलिक डिमांड्स क्यों बढ़ती है हार्ट की, डिमांड क्यों बढ़ जाती है ऑक्सीजन की हार्ट की, उसकी पैथोफिजियोलॉजी अलग है और वो कंसर्न नहीं है आप लोगों का। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का कि अगर आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, या फिर बहुत सिंपल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। और मिस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।